जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 11 सितंबर से लेके तारीख 18 सितंबर 2022 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं विवरण दूँ। ये सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन करूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। तारीख 11 को द्वितीया का श्राद्ध है और इसी दिन वक्री नेपच्यून कुंभ राशि में रात्रि 11:53 पर प्रवेश कर जाएंगे। तारीख 12 को तृतीया का श्राद्ध है। तारीख 13 को सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रात्रि 9:14 पर प्रवेश कर जाएंगे। इसी दिन अंगार की संकष्टी चतुर्थी है। महाराष्ट्र में इसका व्रत रखा जाता है और रात्रि चंद्रोदय के बाद उपवास खोला जाता है। तो चंद्रोदय रात्रि 8:52 पर है। इसी दिन चतुर्थी का श्राद्ध है। तारीख 14 को भरणी का श्राद्ध, पंचमी का श्राद्ध है और बुध शाम को अस्त हो जाएंगे इसी दिन। तारीख 15 को षष्ठी श्राद्ध है। तारीख 16 को सप्तमी श्राद्ध है। तारीख 17 को मासिक कालाष्टमी है और सूर्य कन्या राशि में सुबह 7:21 पर प्रवेश कर जाएंगे, जिसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि पर एक तो मुख्यतः सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश करने का सप्ताह के अंत में क्या असर होगा ये, और इस विषय पर आपको वीडियो भी मिलेगा। लेकिन साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि चंद्रमा की मूवमेंट बहुत अच्छी है सप्ताह में। मीन में चंद्रमा है, गुरु के घर में चंद्रमा है जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति है। उसके बाद मंगल के घर में चंद्रमा है जो कि लक्ष्मी योग है। उसके बाद उच्च के चंद्रमा है। तो चंद्रमा तारीख 18 तक आपको बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं इस सप्ताह में। चलिए हम जानते हैं कि बाकी ग्रह क्या कहते हैं। मेष राशि, मेष राशि के लिए अब लग्नेश जो हैं आपके मंगल वो बने हुए हैं वृषभ राशि में ही अभी भी। तो जो पहले का सा आपको असर हो रहा था मंगल का, कि मंगल आपको पैसे दिलवा रहा था, मंगल आपकी हेल्थ अच्छी कर रहा था, मंगल आपके व्यवसायिक पार्टनर से सपोर्ट दिलवा रहा था, विवाहित जीवन के पार्टनर से सपोर्ट दिलवा रहा था, परिवार में थोड़ी अनबन हो सकती थी क्योंकि अगर आप कड़वा बोलेंगे मंगल के कारण तो बात आपकी बिगड़ सकती है। दूसरे अब आगे की बात करें कि शुक्र की क्या स्थिति है। तो शुक्र जो हैं अभी बने हुए हैं सिंह राशि में। तो शुक्र के सिंह राशि में बने रहने के कारण आपके कई सारे ऐसे काम बन रहे थे जिसमें शामिल हैं आपके पैसे के काम, बुद्धिमत्ता के काम, आपके बच्चों के अध्ययन पढ़ाई के काम, जो कि थोड़ा सा गड़बड़ चल रहे थे। लेकिन फिलहाल आपको राहत मिल रही है अपने विवाहित जीवन के सपोर्ट से, व्यवसायिक पार्टनर के सपोर्ट से। बुध की स्थिति देखें तो बहुत अच्छी है, लेकिन बुध वक्री अवस्था में नज़र आते हैं और बुध अस्त भी हो रहे हैं 14 तारीख को। तो याद रखें बुध के उपाय आपको नहीं करने हैं, आपको गणेश जी की आराधना करनी है। और बुध का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो देख लीजिएगा। आपके पराक्रम उत्साह को बना रहने के लिए गणेश जी की विधिवत पूजा करें। लोन्स वगैरह मिलने के लिए भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति है। बात करें गुरु की तो वो वक्री हैं लेकिन स्थान बली हैं और अपने ही घर में बैठकर वो अपना फ़ायदा देना बंद नहीं करेंगे। इसी तरीके की स्थिति शनि की है। गुरु की दृष्टि के कारण कई सारे घर और भी बचे हुए हैं, जैसे कि आपके माता पक्ष का सपोर्ट, आपके लोन्स वगैरह लेने में सहायता और आपकी तबीयत, ये सब गुरु के कारण बचा रहेगा और आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ गुरु के बल पर, चंद्रमा के बल पर। इस सप्ताह में चंद्रमा का बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। वृषभ राशि आपके लिए लग्न में आने वाले हैं चंद्रमा इस सप्ताह में, लेकिन उससे पहले
राहु से होकर गुजरेंगे तो आपको मेष का चंद्रमा जो है वो थोड़ा बहुत सता सकता है। ऐसे में आप यात्रा पर निकलने पर अपना खाना पीना दवाइयां साथ लेकर चलें, और बाकी आपको चंद्रमा की शुरुआत की और एंड की मूवमेंट बहुत सुहाएगी, जिससे आपका पराक्रम उत्साह बढ़ेगा और आपके कई सारे काम यात्रा में बनते नज़र आते हैं। आपके परिवार से आपको सपोर्ट रहेगा। वाणी में ओज रखें तो पैसे भी आएंगे। बुध जो हैं वो एक कुमार अवस्था में ज़्यादा अपना अच्छा असर देते हैं, तो उनका अच्छा असर हो रहा है। भले वक्री हैं, अस्त हैं, जो भी हैं, लेकिन अब सूर्य का भी सपोर्ट रहेगा। सूर्य कन्या में आ रहे हैं तो बुधादित्य योग भी बनेगा, तो बुध को सपोर्ट रहेगा तो आपकी पढ़ने लिखने का काम, बच्चों के पढ़ने लिखने का काम सुचारू रूप से हो जाएगा। और शुक्र की स्थिति के कारण, मतलब शुक्र अपने आप में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, आपके लग्नेश हैं वो, तो शुक्र के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो करिए। और आगे भी शुक्र नीच के रहने वाले हैं तो आगे भी ये उपाय करिएगा, लेकिन आपके मीडिया व आर्ट से रिलेटेड कई सारे काम बनाता है वो। मंगल की बात करूं तो मंगल आपके लग्न में है, आपको अपूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं, थोड़ा एग्रेसिव पराक्रमी उत्साही बनाते हैं आपको, और आपके विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर से आपको फुल सपोर्ट दिलाते हैं। वक्री शनि भले ही वक्री हैं, लेकिन फिर भी भाग्य में बैठकर आपके छिटपुट काम और यात्राओं में आपको आंशिक सफलता तो दिलाते ही हैं। इसी तरह गुरु भी वक्री हैं, लेकिन उनकी दृष्टियों के कारण आपकी यात्राएं सफल, आपकी शादी के योग बन जाते हैं, आपके व्यावसायिक पार्टनर से भी आपको फुल सपोर्ट मिलता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए इन दिनों आपके जो बुध की स्थिति है, भले ही वक्री हैं, अस्त हैं, जो भी हैं, बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला वो कीजिए, और साथ साथ वो वीडियो भी देख लीजिए जिसके जिसमें मैंने विस्तृत बुध वक्री होने पर क्या असर है वो डाला था, और बुध अस्त होने पर क्या असर है वो डाला है, तो वो देख लीजिए। उससे आपको बहुत फ़र्क भी पड़ेगा और साथ साथ आपकी हिम्मत हौसला वगैरह सब बना रहेगा, क्योंकि उच्च के बुध हैं, माता पक्ष से सहयोग रहेगा। आपके कुछ ऐसे काम जो बन रहे थे आपके घर में रेनोवेशन वगैरह के, तो वो भी बनेंगे। आपके जो काम आपको मतलब नेकनामी से और पवित्रता से काम दे रहे थे तो वो भी बनेंगे, और कई सारे काम आपके पिता के सहयोग से भी बनने वाले हैं। राहु की मेहरबानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि राहु जो हैं अपना असर बीच बीच में दिखा रहे हैं, कभी जोर देते हैं, कभी मंदी देते हैं। इस प्रकार से उन पर मुझे ऐसा लगता है जब तक शनि मार्गी नहीं होते आप फुल फोर्स में आपका काम, और ये ढैया ख़त्म होती है आपका काम फुल फोर्स में बढ़ेगा। 24 अक्टूबर के बाद आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि राहु सपोर्ट कर रहा है, आपको गुरु सपोर्ट कर रहे हैं, फिर शनि भी सपोर्ट करना शुरू कर देगा। अभी जो शुक्र की स्थिति है वो कहती है कि प्रेम संबंधों में बना के रखें, यात्राओं में आपके जो काम बन रहे हैं वो आपको आंशिक रूप से भी बने तो भी बना के रखें, और आपके बच्चों से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो वो जो हैं वो उसको टेक्निकली हैंडल कीजिए, थोड़ा बुद्धि चातुर्य से आपके काम हो जाएंगे। आपको मीडिया और आर्ट से रिलेटेड नए नए काम मिल रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए और वो काम आपके हो सकते हैं। वैसे कोई सात्विक काम है, कोई आप टीचरी के बिजनेस में हैं, कोई आप ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको धार्मिक कार्य करने को मिल रहे हैं, तो वो भी आपके काम बनते नज़र आते हैं मुझे। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब जो चंद्रमा की स्थिति है वो बहुत सपोर्ट करने वाली है, लेकिन जब बीच में राहु के साथ चंद्रमा आएंगे तब ये जो आपको शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट और साथ में ट्रेडिंग या ऐसे कई काम जिसमें शामिल हैं आपके सीएस से रिलेटेड काम, बैंकिंग रिलेटेड काम, तो ज़रा संभल के करें, नुकसान मत डालिएगा और अपनी मानसिक बेचैनी मत बढ़ाइएगा। सप्ताह की शुरुआत में जो भाग्य में चंद्र रहेंगे और उसके बाद उच्च के चंद्र आपको बहुत फ़ायदा दिलाएंगे माता पक्ष से भी, और आपके नए नए काम बनते नज़र आते हैं मुझे। वैसे बता दूं आपके इन दिनों शनि की भी स्थिति अच्छी है और गुरु की स्थिति जो है बहुत अच्छी है, तो जो नए काम आपको मिल रहे हैं ले लीजिए, क्योंकि वो आगे चल के आपको बड़ा फ़ायदा देने वाले हैं। सूर्य की स्थिति भी बहुत अच्छी है, सूर्य कन्या में इस सप्ताह के एंड में प्रवेश करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए पराक्रम उत्साह बढ़ा रहेगा आपका, और आपको परिवार से फायदा, धन का आवक, ये सब हो सकता है। मंगल के कारण भी मानसिक बल और एग्रेसिवनेस, गुस्सा ज़रा है चरम सीमा पर, लेकिन वो भी आपके काम पढ़ाई से रिलेटेड, अध्ययन से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड बनाते हैं, तो उसके लिए चिंता करने की
जरूरी नहीं है, आपकी शादी के योग बने हुए हैं। अगर आपका वर वधु का चयन इन दिनों भी होता है तो आप कर सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्नेश हैं अलग्न में सप्ताह के अंत तक, तब तक अपने सारे काम बनाइए, अपना सरकारी दरबारी काम गवर्नमेंट से रिलेटेड या ओहदे से रिलेटेड इंक्रीमेंट से रिलेटेड भी आप बना सकते हैं। इसके बाद भी सूर्य की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है, आपके परिवार से रिलेटेड कोई काम है तो वो भी बना सकते हैं। आप बोलने चालने में भी नेतागिरी अभिनेतागिरी भाषण बोलने में कोई ऐसा काम जो सिंगिंग का है या काउंसलिंग कंसल्टेशन का है उससे भी फ़ायदा हो सकता है। अब शुक्र जो लग्न में बैठा है वो आपको थोड़ी बेचैनी देता है और आपकी गतिविधियों को थोड़ा रोकता है, ऐसे में आपको गायत्री की आराधना करना ज़रूरी रहेगा। और अगर आप ज़्यादा गायत्री कर लें तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ा रहेगा, लेकिन साथ में आपको ओम माँ लक्ष्मी नमः के जाप भी करने चाहिए जिससे आपके कामकाज में भी वृद्धि हो। अभी जो चंद्र की मूवमेंट है वो कहती है कि सप्ताह की शुरुआत में तो डायग्नोज तबीयत वगैरह ठीक होने का संदेश, लेकिन इसके बाद जो काम के लिए आप बेचैनी आप ये मचमच ना करिएगा, राहु के साथ चंद्र आएंगे तो, और खर्चे भी मत करिएगा अंधाधुंध, अपने प्रेम संबंध संभालिएगा, काम के कारण ज़्यादा थकिएगा नहीं, और अपने कार्य सुचारू रूप से चालू रखने के लिए आप शिव जी की आराधना या शिव जी के जाप कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो धन की स्थिति है वो बहुत अच्छी है, पहले से थोड़ा कम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपका धन बंद हो गया है, आपको धन आ नहीं रहा, आएगा थोड़ा आंशिक रूप से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन आपको फुल सपोर्ट धन का रहेगा। गुरु की स्थिति के कारण आपकी हेल्थ से रिलेटेड जितने काम हैं वो भी आपके बनेंगे, और कई सारे काम जिसमें इन्वॉल्व हैं शनि महाराज, जैसे लोन्स वगैरह लेने से रिलेटेड, तो वो पाइपलाइन में है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए उसके लिए भी बहुत ज़्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, वो काम आते दिनों में आपके हो जाएंगे। अभी आपसे कहूँ अध्ययन पढ़ाई वगैरह की बात, तो इन्वेस्टमेंट करने के दिन नहीं है, थोड़ा अपने खर्चे पढ़ाई वगैरह पर थोड़े कम कीजिए, और साथ साथ अभी एंजॉय कीजिए बुध की स्थिति को, सूर्य की स्थिति को, और एंजॉय कीजिए आप शनि की स्थिति को भी, क्योंकि षष्ठ में शनि जो होता है वो अच्छा होता है। कन्या राशि, आपके लग्न में बैठे बुध आपको फुल सपोर्ट देते हैं, आपको कार्यकलाप से लेके कई काम, जैसे अगर आप लेक्चरर हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेशन करते हैं, बोलने चालने का काम करते हैं, पर्सनालिटी से रिलेटेड काम करते हैं, तो मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी पर्सनालिटी इन्वॉल्व है, तो जैसे आप कोई फ़ोटो सेशन करना चाहते हैं या आपके आकर्षण की वजह से कोई काम मिल रहा है, तो वो काम भी आपके बनते नज़र आते हैं मुझे। इसलिए आपको आश्वस्त रहने की ज़रूरत है कि बुध भले ही वक्री हो गया, बुध भले ही अस्त हुआ, लेकिन आपको खासा फर्क नहीं पड़ेगा, बुध के उपाय करते रहिए। आपका लग्नेश है, थोड़ा सा डाउन फील करेंगे आप, लेकिन फिर भी आपके काम बनते रहेंगे क्योंकि बुध स्वग्रही है, सूर्य का सपोर्ट है। अभी शुक्र की स्थिति बेचैन करने वाली है, थोड़ी परिवार के साथ बना के रखें, अंधाधुंध खर्चे ना करें, और अपने काम पर भी अंधाधुंध खर्चे ना करें, कंट्रोल करके रखिए, और गलत निर्णय लेना, गलत डिसीजन लेना आपको महंगा पड़ेगा, तो वो भी मत लें। अपने बच्चों के साथ बना के रखें, उनके साथ अनबन बेचैनी ना करें, और कई सारे काम जिसमें अध्ययन पढ़ाई का वास्ता रहेगा तो वो बनाने के लिए अच्छा है कि आप शिव जी की आराधना निरंतर करते रहें। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्नेश हैं शुक्र, और वो लाभ में स्थान बली होकर बैठे हैं, तो वो कुछ इतना बुरा नहीं करते आपके साथ में, आपके काम बनाते हैं मीडिया आर्ट से रिलेटेड, भले ही आपको आंशिक रूप से पैसा मिलता है, लेकिन मिलता है, ऐसा नहीं कि आपके पैसे बिल्कुल ही डूब गए हैं, आपको कुछ ना कुछ ऐसा फ़ायदा भी होता है जिसमें आप चाहते थे कि आपके ऑफर्स आ रहे थे वो बन जाएं, आपके कुछ ऐसे काम जो विदेश रिलेटेड थे वो बन जाएं, आपके कुछ ऐसे काम जिसमें शामिल हैं आपके प्रेम संबंध तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, तो आपके विदेश में जो बिजनेस हो रहे थे वो भी एकदम से डाउन नहीं होगा, प्रोवाइडेडली आप बुध के उपाय करते रहें, आपको फ़ायदा ही होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। अभी जो राहु की स्थिति है ना उससे बचें आप, विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना करें, और मंगल जो अष्टम भाव में बैठ के झगड़पट्टी और करवाते हैं, गुस्सेबाजी करवाते हैं, उससे बचें।
परिवार का सपोर्ट रहेगा, धन आता रहेगा। अब ये सप्ताह पूरा आपको धन की कोई कमी नहीं रहे, आपकी पर्सनल कुंडली देखनी पड़ेगी फिर भी, लेकिन आपके धन की कमी के आसार नज़र नहीं आते मुझे। मुझे ये नज़र आता है कि बस अपने वैवाहिक जीवन के पार्टनर और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ बना के रखें। आपके कार्य क्षेत्र में चंद्रमा मालिक है, तो चंद्र की पोजिशन सप्ताह की शुरुआत में और सप्ताह के अंत में अच्छी है, तो आप कई सारे व्यवहार कर तो सकते हैं लेकिन इन्वेस्ट करना मत सोचिएगा। हाँ, लोन्स वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश जो है मंगल सन्मुख बैठ के आपको पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो आपके कॉन्फिडेंस आकर्षण में वृद्धि हुई है, उत्साह बना हुआ है, पराक्रम बना हुआ है। थोड़ा सा एग्रेशन कम करिए, गुस्सेबाजी कम कीजिए, जिससे वैवाहिक जीवन, व्यावसायिक पार्टनर या खुद पर भी बुरा असर पड़ना बंद हो। चंद्र की मूवमेंट के कारण आपको इस सप्ताह में शुरुआती दौर पे तो मानसिक रूप से बड़ा आनंद खुशी रहेगी, कूल रहेंगे आप, लेकिन मध्य में आप राहु के साथ जब चंद्र आएगा तब थोड़ा सा संभालें, अपने कामकाज में कोई ड्रास्टिक डिसीजन ना लें दो ढाई दिन। और ये भी देखना है कि आप इस सप्ताह में जो लोन्स वगैरह ना मिलने की अगर स्थिति हुई तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये एक दो दिन की बात रहेगी, जब आपको घबराहट रहेगी उसके बाद फिर अच्छी स्थिति नज़र आती है मुझे। सूर्य बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, बुध बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, गुरु बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, शनि बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो तीन ग्रह वक्री हैं और अस्त हो रहे हैं, इसको मनाने के लिए आप गणेश जी की आराधना करें, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें, जिससे आपको कोई बुरा असर नहीं होगा। प्रेम संबंधों में आधे अधूरे छोड़ना और विघटन करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए आप अपने प्रेम संबंध संभाल के रखें, थोड़ा स्पेस बना के रखें। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्नेश गुरु चतुर्थ में बैठकर आपको घर की सुख सुविधा, ध्यान, घूमना फिरना, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, तबीयत पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। शादी के योग अभी बन सकते हैं थोड़े ही दिनों के बाद, 2 से 3 महीने के बाद। आने वाला टाइम आपको पहले ही दिखाएगा कि आपको कोई वर वधु का चयन हो जाए, तो अभी से तैयार हो जाइए, लेकिन जो आपका चयन है वो गलत ना हो, आपके डिसीजंस गलत ना हो, इस पर ध्यान रखना है। अभी बोलचाल की भाषा पर कंट्रोल रखें और अपने बोलचाल की वजह से पैसों का नुकसान ना करें। आपको अभी इन दिनों बुध की स्थिति के कारण भी वैवाहिक जीवन के साथी सपोर्ट भी करेंगे, व्यावसायिक जीवन के साथी भी सपोर्ट करेंगे, और सूर्य की स्थिति के कारण भी आपके कई सारे गवर्नमेंट से रिलेटेड काम वगैरह बनते नज़र आते हैं मुझे। जिन लोगों का वीज़ा वगैरह नहीं लगा उनके लिए भी स्थिति अच्छी है, विदेश रिलेटेड काम हो सकते हैं, विदेश घूमने जा सकते हैं, कई सारे काम लोन्स वगैरह से रिलेटेड भी आपके हो सकते हैं। मकर राशि, आपके लग्नेश जो हैं लग्न में वक्री, लेकिन अपने ही घर में, तो जो मकर राशि वाले हैं उनकी 7.5 चल रही है, और जो मकर लग्न वाले हैं उनका काम हो रहा है छिटपुट चाहे सही, लेकिन आंशिक रूप से होते ही जाएगा। आगे भी स्थिति अच्छी है, इनकी 7.5 है, उनके लिए एक वीडियो डाल रही हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। और साथ साथ ये भी देखिए कि आपको प्रैक्टिकल रहना है बहुत ज़्यादा, जिससे आपकी पर्सनालिटी वगैरह में भी कोई कमी ना हो और आपके कई सारे काम बनते नज़र आए मुझे। इसके बावजूद आपका धन आता रहेगा, पैसों की कमी नहीं रहेगी, एग्रेशन ना रहे, कुछ ऐसा काम मत करें, मानसिक रूप से बेचैन मत हो, डिसीजन गलत ना लें बच्चों के लिए अपने लिए जिससे एग्रेशन हो। घर की सुख सुविधा बना के रखिएगा, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको शामिल हैं आपके बच्चे और आपके पिता, तो वो काम करने से पहले आपको अगर महालक्ष्मी के जाप करने पड़े या शुक्र के उपाय करने पड़े, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ शुक्र के उपाय का, वो कीजिए, जिससे आपके डिसीजन गलत नहीं होंगे मानसिक रूप से, ना बच्चों के लिए ना आपके। और इन दिनों तबीयत का ध्यान रख रहे हैं सूर्य, लेकिन शुक्र ने जो वहाँ आकर गड़बड़ की है उसमें महावारी स्त्रियों में और उधर से रिलेटेड परेशानियाँ या प्रजनन अंगों से रिलेटेड परेशानियाँ, पुरुषों में प्रोस्टेट से रिलेटेड परेशानियाँ, या आपको ओवरीज या यूट्रस से रिलेटेड परेशानी, बिल्कुल निग्लेक्ट मत करिएगा और उसको कंसीडर करके उससे बाहर आ जाइएगा। बात यह है कि चंद्र की स्थिति इस सप्ताह में बहुत अच्छी रहेगी, यात्राएं शुभ रहेंगी, मध्य में थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं सप्ताह के, लेकिन उसके बाद फिर काफ़ी कूल रहेंगे आप, मानसिक बल भी रहेगा। कुंभ राशि,
लग्नेश शनि द्वादश में वक्री फिर भी स्थान बलि होने के कारण आपको बल दिए रहते हैं। आप एक याद रखें, अगर कुंभ राशि वाले हैं तो आपकी साढ़े साथी लगी हुई है तो महामृत्युंजय का जाप करते रहें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। और कई सारे लोग जो विदेशों में बसे हुए हैं, जो काम करते हैं वहाँ पर, वहाँ उनका काम बढ़ सकता है। कई सारे काम जो आपके प्रेम से संबंधित हैं वो भी बढ़ सकते हैं, और कई सारे काम परिवार से संबंधित वो धन ला सकते हैं, बढ़ सकते हैं। भले गुरु वक्री है या जो भी है, आप उसकी चिंता न करें। राहु का सपोर्ट फुल है और जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो भी धन लाएगी। सप्ताह की शुरुआत में, सप्ताह के अंत में माता पक्ष का सपोर्ट रहेगा। मध्य में जब राहु के साथ चंद्रमा रहेंगे तब यात्रा वगैरह की कोशिश कम करें तो अच्छा है। लोन्स वगैरह से रिलेटेड परेशानियाँ भी बाद में सप्ताह के एंड में सॉर्टेड नज़र होती आती है मुझे। अब वैवाहिक जीवन से सपोर्ट और तबीयत का अच्छा होना ये भी कार्ड्स पर है। भले ही बहुत ज़्यादा आपको उसके रिजल्ट फटाफट नहीं आ रहे, लेकिन आएंगे ज़रूर। पिता से सहयोग, माता से सहयोग रहेगा, लेकिन इन दिनों माँ की तबीयत संभालना, वैवाहिक जीवन और व्यवसायिक पार्टनर के साथ बना के रखना, हालांकि वो बना हुआ है, थोड़ा बहुत इधर उधर जो कुछ है उसको करेक्ट कीजिए, प्रैक्टिकल रहिए। मीन राशि, मीन राशि के लिए लग्न में गुरु आपका वक्री है। तबीयत को संभालते हुए कई सारे काम जिसमें हो रहे हैं आपके पैसों के काम, तो राहु के कारण, मतलब राहु की बेचैनियों के कारण, गलत डिसीजंस के कारण ना रुकें। इसका आपको राहु का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ उपायों का, वो देखें और उपाय करते हैं। साथ साथ याद रखें कि परिवार से कम सपोर्ट रहेगा और परिवार के साथ बेचैनी करना, उनके साथ कोई गलत बात करके बिगाड़ना ठीक नहीं रहेगा। अभी आपको नए नए ऑफर्स जो आ रहे हैं, एग्रेसिवली यात्राएं हो रही हैं, काम हो रहे हैं, आपके अंदर बहुत हिम्मत और जोश आया हुआ है, तो उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करें और अपने कामों पर कॉन्सेंट्रेट करके कैश करें स्थिति को। शादी के पूर्ण योग बने हुए हैं, वर वधु का चयन जारी रखिए और अपनी शादी के ढोल नगाड़े आप अभी भी इस महीने में भी बजा सकते हैं। हालांकि शुक्र अस्त होगा तब उसका वीडियो आपको मिलेगा और उन दिनों आप शादी वर्जित रखें तो अच्छा है। बच्चों के लिए स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा की स्थिति सप्ताह की शुरुआत में, सप्ताह के अंत में ये उच्च के चंद्रमा वगैरह आपको फुल सपोर्ट करेंगे और आप एंजॉय करेंगे बच्चों के साथ। बीच में अगर आपको कोई बेचैनी होती है तो आप शिव जी की आराधना करें, वैसे भी शिव जी की आराधना आपको सुहाएगी। प्रेम संबंधों के लिए अभी दूरी बनी हुई है और ये प्रेम संबंधों की दूरियां ख़त्म होंगी 17 जनवरी के बाद में, जब शनि कुंभ में आएंगे। अब इन दिनों आपको मैं एक बात बता दूँ, फ़ायदा उठाइए आप बुध का, फ़ायदा उठाइए सूर्य का, फ़ायदा उठाइए गुरु का, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। भले ही बुध वक्री हैं, अस्त हैं, लेकिन अच्छी अवस्था में, गुरु अच्छी अवस्था में और सूर्य अच्छी अवस्था में। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर पड़ा सप्ताह के ग्रहों का। सप्ताह के मध्य और सप्ताह के अंत में एंजॉय कीजिए चंद्रमा की अच्छी स्थिति। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं और कुंडली में बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण ठीक रखें, साथ साथ बुजुर्गों की सेवा करें, माता पिता सास ससुर की सेवा करें, समाज के बुजुर्गों की सेवा करने से शनि राहु केतु की शांति हो जाती है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।